गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है, देश का चौकीदार चोरी कर गया। मोदी जी को चोर कहने वाले राहुल गांधी, ध्यान से सुन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा की तरह पवित्र और हिमालय की तरह अटल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समझा दिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का हर काम शीशे की तरह पारदर्शी और बेदाग है। अब राहुल गांधी सुन, तेरी माँ चोर है। तेरी माँ ने 10 सालों तक रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई और धरती, आकाश, पाताल हर जगह घोटाले किए। तेरी माँ की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार ने कोयला घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला, 2G घोटाले जैसे लाखों करोड़ रुपए के घोटाले किए। राहुल गांधी सुन ले, तेरी बहन प्रियंका और जीजा रॉबर्ट वाड्रा चोर हैं, जिसने गुरुग्राम में सैकड़ों करोड़ रुपए का DLF जमीन घोटाला किया। तुम्हारे जीजा रॉबर्ट वाड्रा ने ही बीकानेर में किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी और करोड़ों का घोटाला किया। राहुल गांधी सुन, तेरा बाप राजीव गांधी चोर था, जिसने बोफोर्स तो घोटाले को अंजाम दिया था। राहुल गांधी सुन, तेरी नानी इंदिरा गांधी भी चोर थी, जिसने मारुति घोटाला कर करोड़ों रुपए कमाए थे। राहुल गांधी सुन, तेरा परनाना जवाहरलाल नेहरू भी चोर था, जिसने मुंदड़ा घोटाला कर LIC को करोड़ों रुपए का चूना लगाया था। राहुल गांधी, तू ये क्यों भूल गया कि 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में तू जमानत पर बाहर घूम रहा है। इसीलिए तू ध्यान से सुन ले, अगली बार राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाने से पहले अपने खानदान के घोटालों के बारे में देशवासियों को जरूर बताना।